Hello dear children, welcome to my EVS video class for 13 December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking good care of yourselves, following all the safety protocols, following all the COVID protocols. It is very important children because coronavirus still not over, abhi bhi cases aa rahe hain. We need to be very very careful. So I hope children you all are taking very good care of yourselves so that you stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I do hope that you are watching the videos regularly. Aap videos apna regularly dekh rahe ho aur apna kaam pura complete kar rahe ho. That is very important children because you are going to have your evaluation 2 test very soon. और अगर आप अपना नोटबुक में आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है. ठीक है, बार बार तो आप कुछ भी रिवाइज करने के लिए पढ़ने के लिए यू कैन नॉट गो बैक टू द वीडियोस ऑल द टाइम. ठीक है, आप बार बार वीडियोस तो नहीं देख सकते हो, तो प्लीज़ बी रेगुलर विथ योर वर्क. अपना टाइम पर वर्क, रोज़ वीडियोज़ देखो, टाइम पर अपना वर्क कम्प्लीट करो. ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड चिल्ड्रेन, इन द प्रीवियस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट homes of different types of animals. Some of the names are given in your book. जो हमारी book है इसमें कुछ pet animals and कुछ domestic animals के homes and babies के नाम दिए हुए हैं. But मैं कुछ extra भी लिखवा रही हूँ for your information, आपकी extra knowledge के लिए, आपकी information के लिए मैं कुछ और भी extra कुछ animals के उनके homes के name लिखवा रही हूँ. Okay? सो अभी नेम्स के बाद एनिम होम के नेम के बाद फिर मैं उनके बेबीज के नेम भी करवाऊंगी. फाइन, सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रिटन टिल, इफ यू रिमेंबर, हमने कहाँ तक लिखा था, नंबर 9 तक हमने किया था. एंड नंबर नाइन वॉज आई थिंक टॉटल्स. ठीक है, जिन एनिमल्स के मैं दो नेम्स लिखवा रही हूँ, दो होम होते हैं, आप अगर एग्जाम में सपोज आता है तो यू कैन राइट ओनली वन ऑल्सो. ठीक है, आप सिर्फ एक भी लिख सकते हो. जैसे फिश का मैंने बताया कि इफ़ इट इज़ अ पेट देन द होम इज एक्वेरियम, अदरवाइज वाटर. तो फिश, अगर सपोज इफ यू हैव टू राइट द होम ऑफ फिश, यू कैन राइट एक्वेरियम, यू कैन राइट वाटर. ठीक है, जैसे मैंने रैबिट का बताया, इफ इट इज़ अ पेट देन वी मेक अ हच, अदरवाइज इट इज़ बरो. तो हच या बरो दोनों बोथ आर करेक्ट. ठीक है ना, जैसे मैंने इसका बताया शीप का बार्न एंड पेन, दोनों करेक्ट है. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स. जहाँ तक आपने लिखा है उसके नीचे से स्टार्ट करोगे, न्यू पेज से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक आपने लिखा हुआ है जस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, उसी के नीचे से करोगे. ठीक है, सो 9 तक हमने लिखा था, नाउ 10th इज रैबिट. ठीक है, आर ए डबल बी आई टी, एंड द होम ऑफ रैबिट इज बरो और हच, जैसा मैंने बताया था बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू ऑब्लिक एच यू टी सी एच. इफ इट इज अ पेट देन वी मेक हच फॉर इट, और अगर बाहर रहता है वाइल्डनेस में तो इट मेक्स बरो, जमीन में गड्ढा करके उसके नीचे रहता है, उसमें रहता है. ठीक है, देन 11th नंबर इज लाइन. 11th नंबर इज लाइन, पहले मैं एनिमल्स लिख लेती हूँ. 12th इज एम ओ एन के ई वाई मंकी. देन 13th इज बी आई आर डी एस बर्ड्स. 14th इज एस पी आई डी ई आर स्पाइडर. ठीक है, लाइन लाइन कहाँ रहते हैं, जंगल, इसको कहते हैं ना शेर, जंगल का राजा. लाइन कहाँ रहता है, लाइन लिव्स इन डेन, गुफा. डेन क्या होता है, डेन जो होता है जैसे फॉरेस्ट में जो बहुत घने घने जंगल होते हैं, लाइन हम ऐसे हर किसी हर कहीं तो नहीं मिल जाता है. जैसे जंगल छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत डेंस घने जंगल भी होते हैं. तो जो घने घने जंगल होते हैं उनमें जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बीच में पत्थर में जैसे कहीं ओपनिंग जैसी थोड़ी होती है, उसको कहते हैं गुफा में. तो लाइन जो है, बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो नीड होम. Why are we talking about homes of animals? हम animals के home की क्यों बात कर रहे हैं?
क्योंकि एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू लिव, दे ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन, फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड मेनी अ टाइम्स फ्रॉम ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि लोग जंगलों में जाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है, उनके उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे लायन का शिकार लोग करते हैं, बहुत लोग घर में अपने बड़े बड़े घर होते हैं उसमें लायन की स्किन ऐसे टांगते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, लायन की स्किन के लिए लायन का शिकार करते हैं, ठीक है, सांप मारते हैं सांप की स्किन के लिए, क्रोकोडाइल एलिगेटर जो होते हैं उनको मारते हैं उनकी स्किन के लिए, एलिफेंट को मारते हैं उनके जो दांत होते हैं टस्क, ठीक है। तो एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत गर्मी है, धूप बहुत तेज है, तो उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो दैट इज़ वाई दे ऑल्सो नीड होम टू लिव, दे कैन लिव कम्फर्टेबली। जंगल में अगर रहते हैं तो जंगल में तो जो जानवर हैं वो अपना घर अपना खुद वो बना लेते हैं, बट अगर उनको हम अपने घर में रखते हैं तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह दें, ओके। तो लायन मंकीज, वी ऑल नो मंकीज लिव ऑन ट्रीज, TREES, मंकीज जो है वो कहाँ रहते हैं, ट्री पे, ठीक है। सबका मैं कैपिटल लिख रही हूँ, उसका भी कैपिटल लिखती हूँ, मंकीज जो है वो ट्रीज पे रहते हैं, और मंकीज को आपने देखा होगा पेड़ों पे रहते हैं, और किसी भी पेड़ की ब्रांच पे ऐसे हडल करके सो जाते हैं, छत होती है छत पे वहाँ पे रहते हैं, विंडो के आगे थोड़ी सी अगर जगह होती है तो वहाँ पे वो रहते हैं, तो मंकीज का मतलब दे कैन लिव एनीवेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन बर्ड्स, एंड वी ऑल नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट, ये तो हम सबको पता है कि बर्ड्स जो है वो नेस्ट अपना बनाते हैं, तो बर्ड्स का होम क्या है, दे मेक नेस्ट, NEST नेस्ट, ठीक है। देन स्पाइडर जिसको मकड़ी कहते हैं, मकड़ी क्या बनाती है, स्पाइडर वीव्स इट्स वेब, मकड़ी का जाला देखा है ना, जाला अपना बुनती है मकड़ी का जाला, ठीक है, बीच में ऐसे रहते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इतना सिमेट्रिकल इनका ऐसा रहता है, ऐसे 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 करके, इट इज़ वेरी सिमेट्रिकल, ठीक है, एंड बीच में उसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो स्पाइडर वीव्स इट्स वेब, स्पाइडर का क्या हो गया, WEB वेब, ठीक है, स्पाइडर वीव्स इट्स वेब। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइडर के बाद है अभी बी, 14th के बाद 15th इज बी, देन एंड बी, बी मधुमक्खी, तो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है विच इज नोन एज बी हाइव, बी का होम इज बी HIVE बी हाइव, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है हाइव भी बोलते हैं, बी हाइव भी कहते हैं, ठीक है। देन एंट, जो चींटियां होती हैं इनका होम जो है इट इज नोन एज एंट हिल और नेस्ट, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, एंट हिल और NEST नेस्ट बोथ आर करेक्ट। विद एक मिनट रुको, उसको मैं फिर से लिखती हूँ, आई थिंक थोड़ा दिख नहीं रहा है, 15th इज बी and the home is beehive, ants का है ant hill भी कहते हैं, ANTHILL ant hill या nest, ant hill और nest, ठीक है। जंग आपने कभी देखा होगा जैसे जो डेजर्टेड जैसे जंगल वगैरह होते हैं मिट्टी का जैसे छोटे छोटे पहाड़ जैसे बनाते हैं चींटियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो उसको उनके घर को बोलते हैं एंट हिल या नेस्ट, वो था करेक्ट। इसके बाद है फिश का, मैंने ऑलरेडी बता दी फिश तो मालूम है, देन माउस, ठीक है, माउस कहाँ रहता है, चूहे, जो चूहे होते हैं माउस, माउस लिव्स इन MOUSE माउस, MOUSE माउस लिव्स इन होल, ठीक है, माउस लिव्स इन होल। देन बेर, भालू, भालू किस में रहते हैं, बेर वे डेन है, केव है, डेन थोड़ी बड़ी होती है, केव थोड़ी छोटी, गुफा, ठीक है, गुफा
और डेन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि केव में भी शायद थोड़ी बड़ी होती है, गुफा थोड़ी छोटी होती है, अदरवाइज बोथ आर सेम. तो लायन है, बेयर है, टाइगर है, दे ऑल लिव इन डेन. ठीक है, मैं इन द नेक्स्ट क्लास आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डेन एंड केव. डेन एंड केव में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगी. आई होप अभी थोड़े से और हैं, तो आप इतना लिखो, टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हूँ, यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन अभी थोड़े से और बचे हैं. सो आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट. अभी इतना मैं इसको इरेज करके, अभी इसके बाद थोड़े से और हैं. थोड़े से और हैं. तो इसके बाद क्या है, कैट, यू ऑल नो कैट का मैंने लिखवा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन. यू ऑल नो कैट लिव्स इन, कैट क्या तो बॉक्स में या बास्केट में रहती है कैट. ठीक है, डियर. देन नेक्स्ट इज डियर. व्हाट वाज द नंबर चिल्ड्रन, आई डोंट रिमेम्बर क्या नंबर था अभी तक जो हमने लिखा था. आई थिंक इट इज टिल 18 वी हैव रिटन. नाउ 19 इज डियर. DEER डियर जो हिरन होते हैं, हिरन कहाँ रहते हैं, डियर दे लिव इन ग्रास लैंड. ठीक है, जो ग्रास लैंड जहाँ पे जैसे घास जैसे जो होती है मैदान. ठीक है, तो डियर जो होते हैं वो ग्रास लैंड, उनके होम को कहते हैं GRASSLAND. कोई उनका पर्टिकुलर कोई बना हुआ ऐसा घर नहीं होता है, जो बड़े बड़े जैसे मैदान होते हैं वहाँ पे रहते हैं डियर. ठीक है, देन डक. डक जो होती हैं दे लिव इन वाटर, वो पानी में भी हम पानी में रहते हैं और वो हमें डक्स जो है दे कैन लिव इन लैंड ऑल्सो. नॉर्मली डक जो होती हैं वो आपने देखा है ना, जो मतलब डक्स को हम हमेशा पानी में तैरते हुए देखते हैं, तो डक्स वी फाइंड डक्स मोस्टली इन पॉन्ड, तो तालाब होते हैं. ठीक है, तो डक पॉन्ड. देन 21 डक के बाद है. देन एलिफेंट. एलिफेंट का होम क्या है, द होम ऑफ एलिफेंट इज ELEPHANT. एलिफेंट जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट. एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट, दे आर वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट में रहते हैं एंड दे मूव इन हर्ड. पूरा जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसमें वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. एलिफेंट जो है वो पूरे ग्रुप में मूव करते हैं, तो उसमें एडल्ट बड़े एलिफेंट्स हैं, मेल फीमेल बेबी एलिफेंट सारे रहते हैं एंड दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, जहाँ पर उनको खाने के लिए मिलता है, जहाँ पर पानी मिलता है. ठीक है, तो एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट. देन टाइगर ऑल्सो लिव इन डेन. लायन लिव्स इन डेन, टाइगर ऑल्सो लिव्स इन डेन. टाइगर जो है वो डेन में रहता है. देन टाइगर के बाद है गोट. गोट गोट भी कहाँ रहती है, बकरियां जिसको जैसे शीप बार्न में रहती है ना, गोट का भी जो होम है दैट इज ऑल्सो नोन एज बार्न. ठीक है, गोट के होम को भी BARN बार्न. देन 24 नेक्स्ट इज CAMEL कैमल. कैमल का क्या है, शेल्टर. कैमल के होम को कहते हैं शेल्टर. ठीक है, और शेल्टर का एस सच मतलब होता है रहने की जगह. किसी को शेल्टर देना मतलब किसी को रहने की जगह देना, तो शेल्टर का मतलब एस सच है रहने की जगह. कैमल के होम को शेल्टर बोलते हैं. एंड स्नेक्स जो रहते हैं, स्नेक्स है, स्नेक रहता है होल, HOLE. स्नेक जो है वो होल, जैसे या तो ज़मीन में होल होते हैं उसमें रहता है, या पेड़ पे आपने देखा होगा जैसे पेड़ पे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं पेड़ में होल रहता है, उसके बीच में भी स्नेक रहते हैं. ज़मीन में जो होल होता है वहाँ पे स्नेक रहता है. ठीक है, सो आई गिवन यू 25 एनिमल्स एंड देयर होम्स. अभी नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एक एनिमल्स और उनके बेबीज भी बताऊंगी, जो बुक में है वो मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है, द नेम्स ऑफ द बेबीज दैट आर देयर इन द बुक उसके मैं नहीं बताऊंगी. आई टेल यू अबाउट द नेम्स ऑफ बेबीज जिन एनिमल्स के बेबीज के नाम बुक में नहीं है. ओके, अगेन दैट इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. ओके,
सो दिस यू हैव टू मेमोराइज, आपको एनिमल्स एंड देयर होम्स आपको मेमोराइज करना है. ओके सो मैं साइड में हो जा रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड विद दिस चिल्ड्रन आई एंड द क्लास टुडे. इसको दिस इज योर नोटबुक वर्क, ये आपको नोटबुक में लिखना है. ओके सो आई होप एवरी वन हैज टेकन द स्क्रीन शॉट. दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.